गुड मॉर्निंग। आज सोचा कि आपको सुबह सुबह अपडेट दे दें। आमतौर पे शाम को अपडेट देते हैं। वहीं पे हैं हम। आज तीसरा दिन है। राजस्थान हरियाणा का बॉर्डर है, इसे शाहजहांपुर बॉर्डर भी बोलते हैं। स्थानीय लोग इसको खेड़ा बॉर्डर भी बोलते हैं, क्योंकि शाहजहांपुर दरअसल यहाँ से थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर दूर एक कस्बा है, उसका नाम है, जिस गांव में हम हैं वो खेड़ा है। तो शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर जो है वहां पे है। कल रात को सब यहीं पे सोए और रात को ओस पड़ी। नाम के लिए हमारे पास एक टेंट तो है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग टेंट नहीं है, कोई प्लास्टिक की उस पे शीट नहीं है कि भाई ओस पड़ने पे पानी ना पड़े। तो पानी सब पे पड़ा, सब पे पड़ा पानी। सुबह 3-4 बजे लगा कि कुछ टपक रहा है, तो हमने सोचा कि क्या बारिश तो नहीं हो रही। फिर समझ आया कि ओस है, तो टपकती ओस भी टपकती रही, हम भी बेशर्मी से सोते रहे बीच बीच में। और इसलिए उस ठंड को निकालने के लिए अब आराम से सब लोग बैठ के ताप रहे हैं। वैसे 9 बजे का समय है, लेकिन इतनी अच्छी धुंध है यहाँ कि अगर आपको कोई बताए कि 7 बजे है तो आप मान जाओगे। ये 7 बजे जैसे 9 बजे है। पूरा इलाका, जैसे मैंने कल बताया था, यहाँ सरसों की खेती है। यहाँ इस वक्त आपको नहीं दिखेगा, लेकिन दोनों तरफ सरसों के खेत है। इधर खुला इलाका है, इसलिए अच्छी धुंध होती है। ये आधा हाईवे खुला है, आपने देखा ट्रैक्टर वगैरह जा रहे हैं आधे हाईवे पे। और ये जो दूसरा आधा हाईवे जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं, यहाँ धीरे धीरे मजमा बढ़ता जा रहा है। कल रात को राजस्थान के गंगानगर से किसान आए, ट्रॉलियां लेके पहुंचे, बहुत रात तक वो वहां पे पहुंचे हैं। ये हमारे साथ जो सब भाई बैठे हुए हैं, ये सब सीकर से हैं। सीकर के बारे में मैं आपको बता दूं, राजस्थान का जिला है। राजस्थान का जो किसान आंदोलन है, उसकी जननी, उसकी धरती सीकर को मानते हैं। बड़े बड़े आंदोलन जो है सीकर पे हुए हैं। बहुत बड़े नेता जो किसान आंदोलन के हैं, देखिए सुबह सुबह चाय की सप्लाई भी हो रही है। बड़े बड़े किसान आंदोलन के नेता यहाँ सीकर से हुए हैं। हमारे बीच अमरा राम जी भी आए हुए हैं। इन लोगों ने 13 दिन तक सीकर में जो महान आंदोलन किया, अगर वो दिल्ली के 50 किलोमीटर के अंदर हो जाता ना, तो किताबें लिखी जाती हैं उसके ऊपर। लेकिन सीकर में हो रहा था, सीकर में फर्क नहीं पड़ता। 13 दिन तक इन्होंने सीकर में जो आंदोलन किया था, ये अपने 3 साल पहले की बात, 17 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
सितंबर तक हजारों हजार किसान सीकर में, सीकर शहर है, आप उसको छोटा कस्बा बोलेंगे लेकिन छोटा नहीं है, बहुत बड़ा शहर है, और वहां के सारी शहर की पब्लिक भी किसानों के साथ हो गई और इतना शानदार आंदोलन किया। उस आंदोलन का ये जो झंडा है आप देख रहे हैं, AIKS, लाल रंग वाला जो झंडा है, अखिल भारतीय किसान सभा, बहुत पुराना संगठन है, 1936 में बनी थी अखिल भारतीय किसान सभा, तब से वो ट्रेडिशन चला आ रहा है। अब उसके दो हिस्से हो गए हैं लेकिन दोनों मजबूत हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये सीकर के किसान है जो हमारे साथ आए हैं, यहाँ पे हाथ ताप रहे हैं। सुबह सुबह का नजारा मैं आपको बाकी जगहों का भी दिखाता हूँ। यहाँ जी टिकने के इरादे से आए हैं वैसे? यस यस, बिल्कुल टिकने के लिए। रात को सोने का अरेंजमेंट कहाँ हुआ? यही यहीं पे ट्रॉली में, नीचे नीचे ट्रॉली में, ऊपर भी सोए, ऊपर भी और नीचे भी। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ नीचे ट्रॉली का हिसाब, जरा नजारा देखिए आप यहाँ का, आंदोलन कैसे चलते हैं किसान आंदोलन, जैसा शहरी लोग सोचते हैं वैसा कुछ नहीं होता। ये देखिए इन्होंने यहाँ दो ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच में तिरपाल डाल के यहाँ सोने की व्यवस्था की हुई थी, यहाँ पे सोए हुए थे लोग, कुछ लोग ट्रॉली के अंदर सोए थे। ये देखिए ये ट्रॉली है, ट्रॉली के अंदर ऊपर कुछ नहीं है, कोई तिरपाल नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ये ट्रॉली के अंदर यहाँ पे लोग सोए। अपने साथ आप देख सकते हैं आटा लेके आए, गैस लेके आए, डेगची लेके आए, तैयारी पूरी करके आए। कुछ यहाँ हमारे शायद मीडिया के साथी एक आए थे तो वो बहुत सुंदर सा ये भी लेके आए। देखिए एक तरफ वो आप देख लीजिए, दूसरी तरफ ये भी देख लीजिए, दोनों का नजारा आपको एक साथ देखने को मिलेगा। हमारे साथी ये सुबह सुबह चाय की सेवा कर रहे हैं। बेटा कहाँ से आए आप? अलवर राजस्थान। अलवर राजस्थान से ये सुबह सुबह यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, लोगों को चाय पिला रहे हैं। आइए आपको उधर लंगर की तरफ भी लेके चलता हूँ, जहाँ सुबह ब्रेकफास्ट हो रहा है और जहाँ पे हम लोग सोए, जहाँ मैंने कहा ना कि रात को ओस आई और हम सब के ऊपर थोड़ा सा रहा, ये हम, ये है जी हमारा टेंट जिसमें हम लोग सोए थे। लेकिन इधर भी देख लीजिए, टेंट का फायदा उठा के यहाँ पे भी लोगों ने अपना सोने के लिए जगह बना ली, बस ऊपर हल्की सी प्रोटेक्शन थी। इनकी प्रोटेक्शन शायद हमसे अच्छी रही,
क्योंकि यहाँ पानी रुकता है। हमारी छत ज्यादा हल्की थी, हमारी छत आप देखें तो ये थी जगह जी हमारी छत, और जैसा आप देख रहे हैं छत के अंदर ऊपर ओस इकट्ठी हो गई पानी और टप टप कर रहा था। ये देखिए बिस्तर, ये जगह जहाँ हम थे, ये किला है, ये किला हो गया। सबके साथ यही हुआ, सबके साथ ये हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हैं राजस्थान में दोहाद, सॉरी गुजरात से, गुजरात के दोहाद और बाकी सब इलाकों से आए किसान, और इन्हें बहुत सर्दी लगी होगी क्योंकि उस इलाके में इतनी सर्दी होती नहीं है कभी भी, इन्हें आदत नहीं है इतनी सर्दी की। और वो सब साथी आए हुए हैं, साथ में यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आपको इधर लंगर की तरफ लेके जाता हूँ। यहाँ गढ़साना राजस्थान, गढ़साना एक और जगह है राजस्थान में श्री गंगानगर में, जहाँ किसान आंदोलन का बहुत गजब का इतिहास है। उस गढ़खाना से एक मिनट थोड़ा सा मोड़ के पीछे दिखा दे, ये सब पीछे की तरफ तक, अब ये धुंध हो गई है पूरा दूर तक दिखाई नहीं देगा, पीछे तक गाड़ियां लगी हुई हैं। एक किसान बचेगा देश बचेगा वाली गाड़ी अगर आपको दिख रही है पीछे, तो ये मजदूर किसान शक्ति संगठन के हैं, हमारे साथी शंकर सिंह इत्यादि की गाड़ी है जो इसमें लगे हुए। यहाँ गढ़साना राजस्थान से आए हुए हैं लोग साथी, और उन्होंने लंगर लगाया हुआ। कल दो दिन बाद गरम रोटी खाने को मिली, नहीं तो पूड़ी आलू चलता है लंगर में, और पूड़ी आलू खा खा के पेट भी खराब हो जाता है, जुबान भी खराब हो जाती है। लेकिन कल यहाँ पे इन लोगों ने बाकायदा गरम रोटी और दाल मिली, और तीन दिन बाद गरम रोटी और दाल मिले तो उसका मजा ही कुछ दूसरा होता है। अब ये देखिए आप इसको कहते हैं अंग्रेजी में बोले तो क्यूलिनरी एक्सपेरिमेंट है ये बॉस क्या बनाया है, कल रात की सब्जी बची हुई थी और ब्रेड आई हुई थी, तो इन्होंने सब्जी और ब्रेड को मिला दिया। मैं लो भाई, ये अपना ये थोड़ा देखिए, ज्यादा आ रहा है इतना खाने का नहीं, बस 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 आप इसके अंदर सब्जी और ब्रेड मिला के इन्होंने नाश्ता बनाया। देखिए पहले कभी विचार आता है ऐसा कुछ, ये सब भी चीजें चल रही हैं। गढ़साना से है, गढ़साना से सर, कोटपुतली से आया नहीं, हम नहीं, ये जो लंगर है तो गढ़साना लगाओ भाई। देखिए अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति गढ़साना श्री गंगानगर, और ये लंगर सेवा गढ़साना ये है, पर ये हमारे साथी कोटपुतली से, हम नगर, ये गंगानगर राजस्थान का जिला है जो कि जिसके बारे में मैं जानता हूं क्योंकि मैंने अपना सारा बचपन वहां बिताया है। इतने मेरा जिला है गंगानगर, ये बिल्कुल राजस्थान और पंजाब और पाकिस्तान तीनों के बॉर्डर पे है गंगानगर जिला, जहां फिर बहुत गजब किसान आंदोलन का इतिहास है। गढ़साना के अंदर किसानों ने इतना महान आंदोलन किया था, उससे 2004 में वहां पे गढ़साना आंदोलन हुआ, चार किसान शहीद हुए थे, जी शहीद हुए थे, सही शहीद हुए थे चार किसान, तो सात किसान तो वहां के साथियों ने, एक बार कहीं किसान आंदोलन की हिस्ट्री बन जाती है तो फिर वो आगे चलती रहती है परंपरा। तो गढ़साना के किसान हैं, उन्होंने लंगर की व्यवस्था की है, पर लंगर में सब लोग जुट गए, और कल रात को हमारे इधर रेवाड़ी के साथी भी उसमें जुटे हुए थे, सब लोग लंगर सेवा के अंदर जुटे हुए। हमारा नाम कुलदीप सिंह है, देखो हमारा नाम कुलदीप सिंह है, हम इसी सेवा समिति के साथ में है, जो आए हैं कम से कम हमारे साथ 150-200 आदमी है, आज भी हमारे बहुत लोग आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये आलू और गाजर की सब्जी है, गाजर का किस्सा भी बता दूं। गाजर यहाँ से पड़ोस के गांव से किसान आया, उसने कहा जी मैं और कुछ नहीं, मैं आपको गाजर दे देता हूँ। तो वो गाजर का बना के पैकेट पकड़ा गया, वो आ गया हमारे को, और किसान आंदोलन में जैसे मैंने आपको बताया, परसों को आके छाछ का पूरा एक हमारे को दे गया कैंटर, 50 लेके उसका करके छाछ हमारे को पकड़ा गया। तो अलग अलग जगह से किसान आंदोलन इस तरह से जुड़ रहा है। आज गंगानगर से लोग आ रहे हैं, हरियाणा में फतेहाबाद से कल पता लगा 15 गाड़ियां वहां से रवाना हो गई हैं, उनको हरियाणा पुलिस कितना तंग करेगी पहुंचने से पहले पता नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं दिन में कभी पहुंच जाएंगे। इधर अलवर में तिजारा जो इलाका है वहां से लोग आ रहे हैं, ये देखिए पीछे यहाँ पे लकड़ी लगी गई है, लकड़ी की जो व्यवस्था है स्थानीय इलाके से लकड़ी आ गई है, अब ये चल रहा है।
आप कहेंगे एनवायरनमेंट की वजह की गाजर जो मैंने बताया ना, गाजर आके पड़ी हुई, गाजर आलू प्याज सब कुछ साथ लाए, सब आ गया। तो ये जो उस तरफ देख रहे हैं उधर पुलिस के बैरियर, पता नहीं आपको धुंध में दिखाई दे रहे होंगे कि नहीं दे रहे होंगे, वहां पुलिस बैरियर है। कुछ मीडिया कर्मी भी सुबह सुबह आ गए हैं, इन बेचारों की भी सुबह ड्यूटी लग जाती है 7 बजे। और तभी जैसे थोड़ा सा दिन खुलता है तो हम अपनी सभा वहां शुरू करेंगे। आज जाके हमने माइक और साउंड की व्यवस्था भी कर ली है। सुबह अब जैसे मजमा जम रहा है धीरे धीरे, तो साउंड लग रही है। आज प्रॉपर माइक हमारे पास होगा। तीसरा दिन, तीसरे दिन तक मजमा, ये जो आंदोलन है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये धीरे धीरे जम रही है। सब लोग यहाँ जमे हुए हैं, लोगों का उत्साह संकल्प पहले से भी ज्यादा दृढ़ हो रहा है, और सब अपने अपने प्लान बना के धीरे धीरे अलग अलग इलाकों से लोग आने शुरू हो गए। सबका संकल्प ये है कि इस आंदोलन को अब और गहरा करना और मजबूत करना है। कल इस इलाके के कई सरपंच आए, यहाँ पे नजदीक में एक खाप पंचायत की बैठक भी, लेकिन उन्होंने फैसला ले लिया कि उत्साह में कि वो सीधे जाके एनएच पे जाएंगे और एनएच पे जाके दिल्ली आने की कोशिश करेंगे। तो वो तो सफल नहीं हुआ, उसको तो हरियाणा पुलिस ने एकदम विफल कर दिया कि हरियाणा साइड पे हुआ था। उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी आज हमारे साथ आ जाएंगे। पावल इलाके की पंचायत है जिसने फैसला लिया था। उसके बाद इधर भी किसान एकता के एक और लंगर भी चल रहा है साहब, यहाँ एक नहीं दो लंगर चल रहे हैं। दूसरा लंगर यहाँ चल रहा है, उसको भी हम देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। ये देखिए दूसरा लंगर यहाँ चल रहा है, सुबह सुबह चाय के साथ साथ लंगर चाय के साथ साथ यहाँ मिल रहा है। और हाँ एक बात बताना तो भूल ही गया, आप पूछेंगे टॉयलेट कैसे जवाब दो इसका। चारों तरफ खेत हैं और सब वहां जाते हैं जो सामान्य गाय। अब आप कहेंगे तो सरकार की ODF पॉलिसी के खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है साहब ODF पॉलिसी के, लेकिन क्या करें, यहाँ कोई मोबाइल टॉयलेट नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और वैसे आपको बताऊं एक बात, गंदे टॉयलेट में जाने से कहीं अच्छा है खेत में जाना। ये मेरा अनुभव जीवन का यही कहता है, किसान आंदोलन का अनुभव यही है। तो सब इसमें इसी व्यवस्था में इसी अवस्था में किसान को एडवर्सिटीज की आदत हो, मुश्किल स्थिति में कैसे रहा जाए और किस तरह से एडजस्ट किया जाए किसान जानता है। और ये जो किसान का संकल्प है, जज्बा है, जिसने सदियों से किसानों को ये दिया है, गर्मी सर्दी बरसात सूखा बाढ़ इसमें जो किसान जी सकता है, उसने जो क्षमता दी है किसान को, वही क्षमता इस आंदोलन को खड़ा कर रही है। ये एक ऐतिहासिक आंदोलन है, याद रखिएगा, एक छोटी मोटी चीज नहीं है। हम सब छोटे मोटे लोग हैं, लेकिन ये छोटे छोटे लोग मिलकर जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा है। आज से 20 साल बाद 25 साल बाद भी कहानियां लिखी जाएंगी, किताबें लिखी जाएंगी इस प्रयोग के ऊपर, जब आप हमसे बेहतर लोग इसके बारे में लिखने वाले होंगे, बोलने वाले होंगे। मैंने सोचा आज आपको रिपोर्ट दे दें, दिन भर ये सिलसिला चलता रहेगा, शाम को क्या हुआ इसकी एक औपचारिक रिपोर्ट मैं आपको दे दूंगा, कौन आए क्या बोला। लेकिन मुझे लगा कि उससे पहले जमीन पे क्या हो रहा है और किस तरह से लोग टिके हैं, ये रिपोर्ट देना बहुत जरूरी है। आपने इस बात को सुना, धन्यवाद, लेकिन सिर्फ धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। एक मेरा अनुरोध रहता है, आप कोई भी दिन तय कीजिए, एक समय का खाना छोड़िए, एक समय संकल्प करें, व्रत करें सिर्फ, और व्रत करते समय याद कीजिए उस अन्नदाता को जिसकी वजह से 3 वक्त हमारी टेबल पे खाना आता है, एक वक्त उसके लिए व्रत कीजिए। अगर आप किसान हैं, नजदीक के इलाके के हैं तो भाई जुड़िए, आपका कोई जानकार यहाँ नजदीक में हो, अलवर में हो, रेवाड़ी नारनौल मेवात कहीं हो, चूरू झुंझुनू बसा जयपुर रूरल यहाँ से हो, उनको तो कहिए आइए। और जो नहीं आ सकते कम से कम इसका समर्थन कीजिए, इसके बारे में लिखिए, और ये जो झूठे प्रोपेगेंडा चल रहे हैं इस सब का जवाब दीजिए। ये बहुत लंबा संघर्ष है, बहुत बड़ा संघर्ष है, और इसमें एक ही रास्ता है, और वो रास्ता आगे जाने का है, और वो रास्ता जीत का है। बहुत बहुत